सबसे बड़ा सवाल कौन सी फिल्म को कितनी स्क्रीन मिलेगी, किस तरह से फिल्म चलेगी, ये जान से पहले स्क्रीन काउंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 अक्टूबर कोई नॉर्मल रिलीज डेट नहीं है, दिवाली की रिलीज डेट है और दिवाली में एक नहीं दो नहीं कई सारी फिल्में रिलीज हो रही है। मैं फिलहाल 5 से 6 फिल्मों के बारे में बात करने वाला हूँ लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा थैंक गॉड और राम सेतु पर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बॉलीवुड क्रेजीज और साथ ही बेल बटन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मैं बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, वो है राम सेतु। राम सेतु को 2000 से 2100 स्क्रीन मिलेगी, 2000 से 2100 और इसके अलावा थैंक गॉड फिल्म को 1800 से 1900 स्क्रीन मिलेगी यानी कि 1800 से 1900। और ये दोनों की ही स्क्रीन काउंट पर अगर नजर डाले तो हिंदी मार्केट में लगभग 5200 से 5300 स्क्रीन है। कई सारी स्क्रीन जो है वो बंद हो गई, खत्म हो गई, स्पेशली सिंगल स्क्रीन कोविड के दौरान, इसलिए हम 5500 स्क्रीन जो पहले थी वो नहीं पकड़ेंगे। 5200 स्क्रीन अगर पकड़ के चले तो 3800 स्क्रीन राम सेतु और थैंक गॉड में बढ़ जाएगी। वहीं अगर बात करें जो तीसरी फिल्म रहेगी जिसको स्क्रीन मिलने वाली है वो हर हर महादेव है, मराठी फिल्म है, पैन इंडिया मराठी फिल्म है क्योंकि हिंदी वर्जन भी इसको शोज मिलेंगे और इसे 400 स्क्रीन तक जरूर मिलेंगे। और बात करते हैं उसके बाद मैं और दो फिल्मों के बारे में, बाकी दो फिल्मों के बारे में बात करें तो जैसे ब्लैक एडम है हॉलीवुड की फिल्म, उसको अच्छे खासे स्क्रीन अभी मिले हैं अगर आप चेक करोगे तो बहुत बड़े उसके पास स्क्रीन से कम से कम 1500 के आसपास स्क्रीन कम से कम होंगे उसके पास। 25 तारीख को 500 से ज्यादा स्क्रीन नहीं बचेंगे। वहीं बात करें कंतारा फिल्म हिंदी वर्जन में अभी बहुत बढ़िया चल रही है जिसके पास 1000 के आसपास स्क्रीन है लेकिन उसके स्क्रीन भाई 300 तक हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बचेंगे यानी कुल मिला के 5000 स्क्रीन इन 5 फिल्मों में कम से कम डिवाइड हो जाएंगे। बाकी 200-250 स्क्रीन जो भी रहेंगे वो बाकी छोटी मोटी फिल्मों के इधर उधर फिल्मों को दिए जाएंगे। तो ये मेरा आंकड़ा था जिसमें राम सेतु को 2000, थैंक गॉड को 1800 स्क्रीन कम से कम मिलने वाले। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।